आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। डेमेंशिया, आर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज रिमेन अनट्रीटेड एंड ओनली सिम्पटोमेटिकली मैनेज थ्रू आउट द लाइफ। इट इज देयरफॉर इम्पेरेटिव दैट डिजीजेज आर अंडरस्टूड एट द मॉलिक्यूलर लेवल एंड द फंडामेंटल मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक एरर्स व्हिच कॉज दिस डिजीजेज कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। ओनली देन it will be possible and to develop molecular interventions to genuinely treat these disorders for good. I'm also very happy to be here that this center has been recognized as one of the major state of the art center of the Islamic world, and you guys and the students here must be proud of the fact that they are being here, they are here, they are part of that research team that has built this great center. And I also must appreciate Mr. Aziz Latif Jamal and Nadra Panjwani. You have shown to the people the way to go and how basically you can really contribute to the society. The contribution you and your families have made by establishing this center goes a long way. Actually, I know that in Pakistan we have two kind of I have a Pakistani media here, so I would also like to speak some words in Urdu also, so that we can go through the common people as well. Hamare Pakistan mein jo hamara jo ek culture hai charity ka, jaise humne Shaukat Khanum hospital banaya aur humne dekha hai ki Pakistan mein bahut जो एक रवाज है, और आप जैसे जो लोग हैं वो एक होप का एक सिंबल हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि जो एक राह दिखाते हैं लोगों को कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी से आगे का भी सोच सकते हैं। सो आपको मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं आपका, जिस तरीके से आपने ये सेंटर बनाया। और एक और भी बात, मैं आई मस्ट से डॉक्टर इकबाल साहब, मैं आपको बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कराची यूनिवर्सिटी जो तकरीबन 1200 एकड़ पे, अभी मुझे वाइस चांसलर साहब बता रहे हैं कि फैली हुई है, उसमें जो आपका सेंटर है वो जितना साफ आपने रखा हुआ है, जितना एनवायरमेंटली आपका है, और इसमें आई वुड लाइक टू एक्चुअली रिक्वेस्ट वाइस चांसलर साहब कि कराची यूनिवर्सिटी में आपके पास डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट्स हैं, सो कराची यूनिवर्सिटी को तो एक कहिए कि फूल होना चाहिए कराची के अंदर, सबसे खूबसूरत जगह होनी चाहिए। एंड मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर द वाइस चांसलर ऑफिस विल बी कि वो किस तरह से एक इन्वायरमेंट क्या देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जहाँ के ऊपर वो करे। बाकी पढ़ना पढ़ाना तो आप, जिसने पढ़ना पढ़ाना है वो तो आप इंटरनेट के ऊपर भी जाके पढ़ सकता है, कि माहौल जो है वो इम्पॉर्टेंट है देना। सो मेरे ख्याल में आप उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें, एक माहौल तो अच्छा हो जहाँ पर आप बैठें। बाकी जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जो हूँ वो साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, मैं तो बेसिकली जो है वकील हूँ, और ये ज़्यादातर दुनिया में जो चाइनीज़ मिनिस्टर हैं वो मैनेजमेंट की डिग्री है उनके पास, मलेशियन जो हैं उनके पास फिलॉसफी की डिग्री है, इंडिया के जो थे वो भी वकील थे और हम भी वकील हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि इसकी एक वजह यह है कि साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते, तो अगर आप दिलचस्पी नहीं रखेंगे तो फिर आप पे वकील ही लगेंगे।